सामने दिख रहा है जोजिला की पहाड़ियाँ और जोजिला पास थोड़ी देर में हम क्रॉस करेंगे। हम निकल रहे हैं दरास मतियन विलेज से और जोजिला टॉप को क्रॉस करके हम निकलेंगे सोनमर्ग की तरफ और फिर वहाँ पे जाके डिसाइड करेंगे कि सोनमर्ग रहना है या आगे निकलना है। तो दोस्तों हम क्रॉस कर रहे हैं जोजिला पास और कश्मीर में हमारी एंट्री हो चुकी है। लगाते रहो, जस्ट एंटर्ड इन कश्मीर वैली। ग्लेशियर देखिए सर, बारिश लग गई है बहुत जोरों की। 11,000 से ज्यादा की ऊंचाई है जोजिला। टूरिस्ट के लिए शॉप्स हैं यहाँ पे, जोजिला टॉप। खूबसूरत कश्मीर की वादियाँ जोजिला पास के एकदम समीप का नज़ारा। बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर। जुलाई का महीना और देखिए जुलाई के महीने में क्या मौसम बना है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत वैली दिखता हुआ यहाँ से और ये रास्ता देखिए दोस्तों। हो वेरी डेंजरस। बालटाल की खूबसूरत वादी। हेलीकॉप्टर्स, खूबसूरत वादी कश्मीर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नीचे देखिए गाड़ियाँ, बसेस, फोर व्हीलर्स, उधर कार्स। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत है। वाह 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 वाह, सच ही कहा है जन्नत है तो कश्मीर में है। खूबसूरत वादी है बालटाल के, सोनमर्ग के काफ़ी नज़दीक। इतने सारी कैंपिंग साइट मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। खूबसूरत नज़ारा और खूबसूरत घाटी। ये जो हेलीकॉप्टर्स की फ़्लाइट है ये आ रही है अमरनाथ यात्रा के जो यात्रीगण हैं उनके द्वारा। बालटाल जो है ये पॉइंट है, यहाँ से 16 किलोमीटर आगे जाकर वो जो पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं वहाँ पे अमरनाथ शिव गुफा जो है बाबा बर्फानी, उसकी यात्रा की जा रही है और फिर लोग वापस
यहीं पे आकर स्टे करते हैं। ये इतनी सारी जो गाड़ियाँ लगी हैं, बसेस लगी हैं, ये सारे के सारे लोग अपनी गाड़ियों में ये हायर करके आए हैं। अभी लास्ट 5 मिनट के अंदर हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स की जाने के लिए ये कोई 10वीं उड़ान होगी और वापस आने वाली भी लगभग इतनी ही। तो यहाँ पर कुछ एक जो लोग हैं लोकल, हमने उनसे पूछा तो ये कहते हैं कि एक दिन में एक हेलीकॉप्टर 50 से ज़्यादा फ्लाइट करते हैं। देखिए दूसरा आ गया पीछे से। और तो ये है बालटाल, बेस कैंप है अमरनाथ यात्रियों का। देखिए लगातार हेलीकॉप्टर की उड़ान जा रही है, वापस आ रही है। जो काफ़ी धनाढ्य लोग हैं वो इस तरह से यात्रा करते हैं और इसकी 5 अगस्त तक ये यात्रा होगी। वैसे पहले 15 अगस्त तक होती थी ऐसा हमें बताया गया है। खूबसूरत कश्मीर घाटी और उसका एक छोटा सा गांव शानदार वैली के बीच में बसा हुआ बालटाल। रोड का काम चला हुआ है और बीच में टनल्स बनाई जा रही है। वेरी ब्यूटीफुल। हेलीकॉप्टर्स को इतने ज़्यादा देख लिया हमने अभी अभी यहाँ पर। मोर देन 100 फ्लाइट्स अभी अभी हो चुकी है लास्ट 20 मिनट्स में। एक आ रही है, दूसरी जा रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी जा रही है। वो क्या होता है दोस्तों, हम हैं सोनमर्ग की खूबसूरत हसीन वादियों में। ये है सोनमर्ग का शहर और यहीं पे हमने रूम ले लिया है। यहाँ की सुंदरता को देखते हुए हम इतने मोहित हो गए कि हमने फिलहाल श्रीनगर जाने का आइडिया पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया है। अब पहले सोनमर्ग की सुंदरता को हम सोखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। कल रास्ते में हमें बहुत सारी सुंदर जगहें मिलने वाली हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि यहाँ से आगे हमने अब टोटल अपना जो अनप्लान रखा है, यहाँ से आगे की कोई प्लानिंग नहीं की है। अब कश्मीर की वादियों को हम बिना प्लानिंग के ही पूरा करेंगे। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों। केदारनाथ यात्रा होने के कारण रश बहुत ज़्यादा है, समय से रूम की बुकिंग करानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आज बहुत रश है और शाम को 3 बजे के बाद श्रीनगर की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। कारण है सिक्योरिटी रीज़न। अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपको 3 बजे से पहले निकलना पड़ेगा। होटल्स काफ़ी हैं यहाँ पे, रूम्स काफ़ी हैं। अगर आप जल्दी पहुंचकर बुकिंग कराते हैं तो रेट ठीक पड़ेंगे, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पे भी करना पड़ सकता है। खाना यहाँ का सस्ता है, खाना यहाँ का सस्ता है। बाकी मार्केट हमने ज़्यादा घूमी नहीं अभी तक, चले ही हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये यात्री निवास रहने के लिए बहुत सही जगह है लेकिन इसकी बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है ख़त्म। हम भी गए थे यहाँ पर, ये सोनमर्ग डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उनके द्वारा तैयार किया है। ये बहुत सुंदर लोकेशन पे बना है। ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारी एकोमोडेशन। अरे पहले से होगा, सोनमर्ग रीजेंसी के नाम से। और उसके साथ देखिए पीछे होटल रूफटॉप, उसके होटल्स बहुत हैं यहाँ पे। और साइड में साइट सीइंग के लिए बहुत सुंदर जगह है सामने, अभी चलेंगे वहाँ पे। बहुत ही शानदार और जानदार होटल बन रहे हैं सोनमर्ग के अंदर और अभी तक जो तैयार हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन हैं। और अगर आप इन जगहों से गुज़र रहे हैं तो इन जगहों पे रुकना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये सारे के सारे जो हैं होटल्स हैं सोनमर्ग के। रात को तो नज़ारा ही बहुत गजब बनता है इनका। मार्केट आगे जाकर है जहाँ पर बीच में आप लाइट्स देख रहे हैं।
ठीक इन होटलों के बीच में, और हम जहाँ पे खड़े हैं अंधेरा काफ़ी है। ये बहुत ही शानदार पार्क है दोस्तों यहाँ का। इसका डाया काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 5000 स्क्वायर मीटर में फीट में ये फैला होगा, और बहुत हरियाली है, पत्थर हैं, बहुत प्यारी जगह है, रुकना यहाँ पे बन जाता है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول محمد رسول الله